अवंतिका, अब इस लड़के में क्या प्रॉब्लम है? मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी मतलब? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे पहले अपने पैरों पे खड़े होना है। तो अब क्या अपने सर पर खड़ी है? पैरों पर ही तो खड़ी है ना मॉम। क्या मॉम, 26 साल की हो गई है, तेरे साथ के सालों ने शादी कर ली है, मेरे मरने के बाद करेगी ये शादी। मॉम प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अब इमोशनल अत्याचार शुरू मत करो। इमोशनल अत्याचार? जब मैं शादी की बात करती हूँ ना, तेरा ये डायलॉग जरूर होता है। अरे बाकियों को देख ले, सबकी शादी हो गई। शिप्रा को देखा है, दो बच्चों की माँ हो गई। यार सही तो कह रही है तेरी मम्मी, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे? हम दोनों ने एक साथ में कॉलेज किया था, मेरे यहाँ दो रखे हैं, और तुझे शादी नहीं करनी? मेरी फ्रेंड है दुश्मन? मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं बस इतना कह रही कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या? टिकटॉक टिकटॉक माय फ्रेंड। एंड व्हाट अबाउट द करियर क्लॉक? टिकटॉक टिकटॉक माय फ्रेंड। तुझसे ना बात ही करना बेकार है। एक मिनट, कहीं तो तेरे मॉम के पास की वजह से तो मैं ना तुझसे बाद में बात करती। बस बहुत हो गया, बेटी हाथ से निकल रही है, कोई लड़का नहीं मिलेगा, तेरे साथ ही रहने वाली है क्या? नहीं दीदी, वो बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है ना। आप टेंशन मत लो ना, मैं करती हूँ ना उससे बात। यही तो गलती कर रही हो तुम, बात करने से कुछ नहीं होगा, तुम बस लड़का ढूंढो और बैठाओ उसे मंडप पर। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरे पास्ट की वजह से ही वो शादी के लिए मना कर रही है? पहुंच गई घर? हाँ, बस कार पार्क कर रही हूँ। तुम आज अपनी मॉम से बात करोगी? नहीं विशाल, मैं माँ को नहीं बता सकती, वो ये शादी के पीछे पड़ी हैं। इस वक्त उनसे ये सब बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। अब वो अगर तुम उन्हें हमारे बारे में बता दो तो शायद वो। नहीं विशाल, तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता इन सब से कुछ हो पाएगा। अच्छा लिसन, मॉम का कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करूँ। ओके बाय। किससे बात कर रही थी? हाँ मैं 26 साल की हूँ, आपको बताना पड़ेगा किससे बात कर रही थी। एग्जैक्टली तो 26 साल की हो गई है, कब शादी करेगी, कब बच्चे होंगे, तू समझ क्यों नहीं रही कि माँ और बच्चे में सही एज गैप होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। देख बेटा, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूं, माँ हूं मैं तेरी। अगर तेरी लाइफ में कोई है तो बता देना, अगर तू लव मैरिज करना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, बाकी रिश्तेदारों को तो मैं संभाल लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज अंडरस्टैंड। बस तेरा शुरू हो गया। ये रिश्ता देखा ना जो दीदी ने भेजा, अजय कितना अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अच्छे खानदान का है, क्यों नहीं कर लेती इससे शादी? ये अजय अच्छा रिश्ता है। हाँ पता है इसको कैसी बीवी चाहिए, जो घर में बैठ के गोल गोल रोटी बनाती रहे। तो अच्छा है ना, तू भी घर बैठ के गोल गोल रोटियां बना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मेरे काम का क्या, व्हाट अबाउट माय करियर? व्हाट करियर? आपसे ना बात करना बेकार है, पता नहीं मैं क्यों टाइम वेस्ट करती। अरे लेकिन करियर, ये आजकल की लड़की को पता नहीं करियर कौन सा बनाना है, करियर कौन सी कंपनी की सीईओ बन जाएगी ये पता नहीं, करियर बनाना है, शादी नहीं करनी। करियर क्या हुआ, शादी के टॉपिक के अलावा और किसी टॉपिक में बात नहीं करनी आती आपको? ताना देने के अलावा तुझे और कुछ नहीं आता क्या? मॉम छोड़ मुझे। लिसन नो। नहीं आप मुझे थोड़ा टाइम नहीं दे सकती हो? किस लिए चाहिए तुझे टाइम, बैठो। देख बेटा, शादी करने से ना इंसान सेटल हो जाता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी? मैरिज डजंट मीन सिक्योरिटी मॉम, वरना डैड आपको छोड़ के नहीं जाते।
I'm sorry, माँ. कल मैंने जो कहा ना, मेरा वो मतलब नहीं था. तूने सही कहा. जो कुछ भी तेरी जिंदगी में हो रहा है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है. तेरे पापा तेरे पैदा होने से पहले मुझे छोड़कर गए, ये भी तो मेरी वजह से ना. हाँ, तभी तो तेरा शादी पर से विश्वास उठ गया है. तेरी बुआ शायद सही कहती है, मेरे पास्ट की सजा शायद तुझे मिल रही है. नहीं मॉम, आपके पास में जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी. That man, he was... तेरे पापा महीने के 10,000 देने से वो मेरे पापा नहीं बन जाते. अपनी सेक्रेटरी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था. He never cared for you. He never cared for me. He never cared for anyone. मेरे लिए मेरी मॉम, मेरे पापा दोनों आप ही हो. आपके पास ने, आपके हौसले ने, आपकी हिम्मत ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि अपने पैरों पे खड़े होना कितना जरूरी होता है. मैंने देखा है ना आपको, आपने कैसे स्कूल टीचर की जॉब करके, ट्यूशन पढ़ा के, कितनी मेहनत करके मेरे सारे सपनों को पूरा किया है. मुझे पता है कि शादी के चक्कर में नाना नानी ने आपको मास्टर्स कंप्लीट करने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आपने सब संभाला. मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो सब कुछ कर सकती है. हाँ, लेकिन ये सब तो शादी के बाद भी हो सकता है ना. लड़कियां तो पराया धन होती है. पराया धन? सीरियसली मॉम, आप खुद एक औरत हो कि आपको लगता है कि लड़कियां पराया धन होती है? को नहीं लगता कि जो एज ओल्ड कस्टम्स ये बहुत ही बकवास है? नानी ने आपको पराया धन कहा, आज आप मुझे पराया धन कह रहे हो. कल को मेरी शादी होगी और मैं किसी के घर में जाऊंगी तो वो लोग मुझे कहेंगे कि पराए घर की बेटी. तो फिर इन सब में मेरा घर कौन सा हुआ? एक औरत का घर कौन सा हुआ मां? हेलो. हाँ दीदी. हाँ करी ना बात. अब बात ऐसी है दीदी कि अब मेरी बेटी कोई गाय बकरी तो है नहीं जिसे मैं मंडप के खूंटे से बांध दूँ. आप एक काम क्यों नहीं करते, आप राहुल के बारे में क्यों नहीं सोचते? नहीं देखो ना, आपका बेटा ना तो काम करता है ना ही अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है. तो आप ना अपना घर संभालो. अपना घर तो मैं संभाल ही लूंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे पता है आपको चिंता है, लेकिन मैं कर लूंगी. अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, आराम से. थैंक यू मॉम. जब मेरे बच्चों पे बात आती है ना, तो फिर मैं किसी की नहीं सहती. लेकिन ये बात तुझे नहीं समझ में. क्यों? जब तू माँ बनेगी ना, तब समझेगी. वाह, तो सच में कितनी बड़ी हो गई है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है. काश तेरी उम्र में मैं भी इतनी हिम्मत वाली होती तो शायद कुछ बन जाती. मॉम, आप में सबसे ज्यादा हिम्मत है. मैंने सब कुछ आप ही से सीखा है. वैसे क्या स्वैग था आज आपका? हाँ, फाइनली फाइनली. थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच. आई लव यू टू. ये ले तेरा फोन. विशाल, अभी विशाल कौन है? मेरा बिजनेस पार्टनर है.
हम दोनों साथ में कैफे खोल रहे हैं ताकि मैं अपने पैसे से अपना घर ले सकूं और आपका ख्याल रख सकूं। तो ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। कैसे बता दी? आपका शादी पुराण जो चल रहा था। एक बात कहूं बेटा, माँ के लिए ना अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं है। तू बता मुझे कितना टाइम चाहिए? बस 2 इयर्स। 2 इयर्स? अरे 2 साल में तो मॉम नहीं, मतलब 2 साल में तो तू अच्छी तरह सेटल हो जाएगी। एग्जैक्टली तो तेरे लिए और भी अच्छे रिश्ते आएंगे। और फिर तू कह सकती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो रोटियां गोल गोल बनाता है। नहीं, मेरा मतलब है कि टाइम है।